दोस्तों व्लॉग स्टार्ट होने से पहले एक बात बता देता हूँ, सबसे ज्यादा मेन बात है कि जो थंबनेल था वो क्लिकबेट था भाई। हाँ व्लॉग गजब होगा, मजा आएगा एक नंबर, बट यार क्या करें, ये यूट्यूब साथ नहीं दे रही ना, तुम साथ देने लग रहे। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो, और वो उस टाइम थोड़ा लंबा दे दिया करो, फिर आप को जरूरत ही नहीं है क्लिकबेट की, ठीक है। तो पर व्लॉग जरूर देखना यार, व्लॉग बहुत ज्यादा गजब है। चलो स्टार्ट करते व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रशीद पंगाला, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। फाइनली आज टी शर्ट बदल दी गई है भाई, टी शर्ट बदल दी गई है। तो दोस्तों मैं कई दिनों से ना कंफ्यूज चल रहा था, आप लोग बताओ डेली व्लॉग्स डालू या ना डालू। आलू प्याज के परांठे बन रहे हैं। सो दोस्तों मैं ये आपसे सजेशन मांगना चाहता हूँ कि इस चैनल पे प्रॉपर व्लॉग्स चलेंगे, फैमिली व्लॉग्स, और जो एनिमल से रिलेटेड चीजें स्टफ्स है वो दूसरे चैनल पे चलेंगे। आप लोगों की क्या सजेशन है इस टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बताऊं क्यों? क्योंकि मम्मी ने मुझे उठाया नहीं, 8 बज गए भाई, मैंने फोन उठाया 6:30 बजे। मैं यार ये मम्मी ने मेरे को फोन क्यों नहीं करा अभी तक, तो फोन क्यों नहीं करा? पता दिक्कत क्या थी, मम्मी मेरे को ना हर बार उठा देती थी 6 बजे, और यूं कहते थे जल्दी से थोर को घुमा के आ। फिर भाई आज फोन ही नहीं आया, मैं यार आज सूरज कौन से साइड से उठा है। उसके बाद देखा भाई 7:30 बज गए, फिर 8:30 बजने वाले थे तब जाके फोन आया। मैं कह यार मम्मी आज ऐसे कैसे, फिर ध्यान आया मम्मी की तो आज छुट्टी है। हमारे घर में एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है भाई, मतलब उस चीज को अभी तक हम रिजोल्व नहीं कर पाए हैं। तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि ये मैडम रोज नहावे है, रोज निलाते ही से रोज, यूं मानो हर दूसरे तीसरे दिन, पर पैर काले करके ले आती है यार ये है? ये मम्मी इसका क्या सीन है, क्या सीन गया हमें समझ नहीं आ रहा कि ये पैर काले कहाँ कर रही है। अरे इतनी कंफर्टेबल होगी, जहां मर्जी आओ वही पसर जाए। सोच के तो देखो यार, ये देखना, ये लिटरली 2 दिन पहले निलाई गई थी, ये देखो पैर कितने काले करे हुए हैं, सिर्फ पैर ही काले होते हैं इसके, और कोई दिक्कत नहीं है, और तो पूरी व्हाइट व्हाइट रहती है ये। मम्मी कैसे, ऐसा क्या सीन है जो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं इसकी बात? पकड़ लिया मैंने, ये गर्मी का मौसम है और डस्ट भी ज्यादा आवा है, इतनी सफाई करा हुई, व्हाइट फर्श है, वो ये बार भी बैठती है मस्ती में। ये ना पता है इसने नई जगह रखी है, ये मटके के साथ सोएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ठंडा है ना, मटके के साथ आगे सोती है, नई नई जगह ढूंढते रहते हैं। हेलो, जहाँ मन करो वहीं बैठ जाती है आजकल। दोस्तों लेट्स टेक अ स्मॉल एड ब्रेक। सो मेरे एक भाई है, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे पपीज हुए हैं, प्यारे प्यारे से पपीज हुए हैं, और कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम इतना बजट नहीं रखते सर, बट आपको क्वालिटी चाहिए। सो इसलिए मैं ये भाई की वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं ये, और ये बहुत अच्छे बच्चे हैं इनके पास, अगर किसी को लेना है बजट फ्रेंडली पपीज मिल जाएंगे आपको। सो आप आके वीडियो देखो। नमस्कार जी सारे भाइयों को, और रचित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे शो को आप लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया बने हुए हैं। मेरा नाम राजीव है जी, और ना ही मेरा कोई कैनल है और ना ही मैं कोई ब्रीडर हूँ जी। मेरे घर में एक शौक में मैंने एक बच्ची रखी थी जिसका भी लीटर हुआ है, जो बच्चे मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी, और कोई ब्रीडर भाई इस वीडियो को देख रहा है या जुड़ा है तो कुछ मेरे बच्चों में कमियां रहेगी हो या तैयार करने में कुछ मेरे से कमी रह गई हो तो मुझे जरूर सलाह दे जी, जरूर मुझे गाइड करें। यही एक माध्यम है जी जहां से हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है और अपने शौक को पूरा करने का मौका मिलता है जी। तो पहला बच्चा मैं आपको दिखाता हूं जी, आज ये 25 दिन के बच्चे हैं जी, और इनके फादर हैं जी कैरम है जी, योगेश त्यागी जी के पास अम्बाड़ा में स्टड, वो इन पपीज का फादर है जी, और मदर भी मैंने उन्हीं से ली थी जी, योगेश त्यागी जी से, और मदर की जो मदर है वो डॉक्टर टिमी टोर की डॉक्टर है जी, और फादर है फ्लोक जो गुजराल जी ने इम्पोर्ट करवा था, वो भी त्यागी जी के पास था जी। ये 25 दिन के बच्चे हैं जी, क्वालिटी आपके आगे है, आप मुझे बताना जरूर कमेंट करके ये कैसे बन रहे हैं और 25 दिन के हिसाब से इनकी ग्रोथ ठीक है या नहीं है। ये बच्चे हैं जी मेरे रचित भाई, खेल के थक चुके हैं, अब ये बिल्कुल घोड़े बेच के सो रहे हैं, और इसी का मैं फायदा उठा रहा हूँ, इनकी वीडियो बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये जाग रहे होते तो वीडियो नहीं बनवाते। ये फीमेल है जो बुक हो चुकी है, और ये मेल दिखाता हूँ आपको मैं, काफी देर दौड़ने के बाद अभी सो रहे हैं, देखो कितने प्यार से सो रहे हैं, और 7 में से 4 बुक हो चुके हैं जी, 3 अवेलेबल है, किसी भाई को चाहिए हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर ले। और हाँ इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको डायरेक्ट उनको कॉल करना है और वहां से अपना बच्चा बुक करवा सकते हो आप। सो दोस्तों कोनी के बच्चों को अपडेट दे देता हूँ, सारे बिल्कुल सही हैं, हेल्दी हैं सारे, थू 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 टचवुड, और आप लोगों की दुआ से सारे अभी तक बिल्कुल हेल्दी और हेल्दी ही रहेंगे।
और कोनी भी हेल्दी बच्चू है। देखो देखो दुद्धू बीरे दुद्धू एक देख कहाँ पहुंचा हुआ तू, कहाँ पहुंचा हुआ है। फेक थंबनेल वाली बात करूं, हमने इस बच्चे की लाइफ बचा ली है, ये कहाँ फंसा हुआ था। ये लो भाई, ये लो भाई। आप लोग भी कहते हो कि भाई रचित भाई ऐसे ना वो थंबनेल ना डालना, पिछले वाला तो मैंने डाला भी इसी से करा था यार। एक तो तुम व्यूज नहीं देते यार, वैसे चाहिए ट्राई करके देख लेते हो, जो रियलिटी है वही है भाई। आप लोग व्यूज नहीं है, पता नहीं यूट्यूब इसको वीडियो ज्यादा आगे नहीं पहुंचा रहा, पता मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। बट ना यार अपने हाथ पैर तो सारे ही मारते हैं, तो ये कहावत थी, सो इस वजह से ना मैंने वो थंबनेल लगाया था। और जो हम जैसे चैलेंजेस वगैरह करेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे, घूमने जाएंगे, कहीं बाहर घूमने जाऊंगा मैं, सो वो सारे व्लॉग्स इस चैनल पे आएंगे, ठीक है। और जो मेन एनिमल से रिलेटेड हो गया और पेट्स हमारे डॉग से रिलेटेड हो गया, वो सारे व्लॉग अपने पेट डाइवर्सिटी चैनल पे आएंगे। सो जिसने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो वो जाके सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर सब्सक्राइब कर लो। उसमें 11,500 या 600 सब्सक्राइबर्स है, सो उसे जल्दी जल्दी 20,000 करते हैं भाई, और इस चैनल पे 1,50,000 करते हैं। करो यार, तुम्हारा चैनल है यार, तुम कर नहीं सकते, करोगे ना? हाँ मुझे पता तुम करोगे। तो मुझे अभी ना डस्टिंग करने का काम कर दिया गया, सो मुझे चादर भी सारी, मतलब वैसे मेरे को ना चादर बिछाई नहीं जाती, बट ये वाला जो गद्दा है ना, ये पूरा एक ही गद्दा है। इन बेड्स पे मानू वाला बेड है, मम्मी वाला है, इन तीनों बेड पे ना ये सिंगल वो है मैट्रेस, तो इस पे बिछाई जाती है। बट जो ये वाला है ना, इस वाले बेड पे गेस्ट रूम है, इस पे दो है, इस पे नहीं बिछाई जाती मेरे से। सो कोनी अभी ऊपर घूमने गई हुई है, तो उसके बच्चे चूचू चूचू कर रहे हैं, और चीजें मैं साफ कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। इसकी हरकत देख लो, पानी कहाँ से पीना है, इसे कहाँ फंसी हुई है देख लो। हेलो, तुम देख पा रहे हो कर क्या रही है, क्या चाहिए तुझे है, इसमें से क्या निकालेगी बताइयो, मछली थोड़ी है इसमें, और बैठी कैसे है तो देखो बेटे, मम्मी को पता चल गया ना तुझे ठोकेगी। ये देखो भाई एग्स तैयार हो गए हैं कोनी और थोर के, ये हमारे लिए आलू प्याज के परोंठे, और ये पनीर है कोनी का। समझ आ रहा है इसके पैर खराब क्यों हो रहे हैं, हैं हर जगह तो इसने पैर मारने हैं। दोस्तों फार्म पे जा रहा हूँ मैं, एक बार मुझे देखना हमारा स्टूडेंट ब्रूनो है, उसकी देखता हूँ मैं कहाँ तक पहुंची है अभी तक एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज मतलब ट्रेनिंग। सब ब्रूनो का अपडेट लेने जा रहा हूँ मैं, और फिर घर आऊंगा वापस, और फिर उसके बाद एक बार शाम को फिर जाऊंगा फार्म पे। चलो आपको रास्ता दिखा देता हूँ, कि मतलब मैंने सोचा क्यों ना आपको अपडेट दे दूं मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो बाकी आपको रास्ता दिखाता हूँ थोड़ा सा। सो दोस्तों एक बात है, सबसे महंगी जगह पे रहते हैं सेक्टर में सर, बट यहाँ की सड़कें इतनी खराब है ना भाई, मतलब कि पैसे अगर कोई घर लेने जाओ ना भाई, यहाँ पे इतना मुंह, मतलब करोड़ों में घर है यहाँ पे, बट अगर आप यहाँ पे सड़कें देखो इतनी फद्दू, मतलब इतनी फद्दू वर्ड यूज करना पड़ रहा है, देख सकते हो आप। और अगर आप ना यहाँ के रेट पूछो आप घरों के, तो आप यूं कहोगे इतने महंगे, इतने इतने के घर भी होया करेंगे, और ये सड़कों के हाल देखना भाई, नगर निगम देख रहे हो ना, तो करो इस पे थोड़ा बहुत एक्शन यार। बस यहाँ पे सिर्फ सड़कों की दिक्कत है, और सब चीज बेस्ट है, और सड़क भी ये अंदर वाली सड़कें, कुछ बाहर वाली तो फिर भी ठीक कर देते हैं, क्योंकि बाहर वाली सड़कों से जैसे अब सीएम वगैरह या डिप्टी सीएम आते हैं ना जैसे यहाँ पे, तो वो बाहर वाली इन सड़कों से आते हैं, वो वाली जो बाहर वाली वो तो बढ़िया बना रखी है, और यहाँ पे इन्होंने बढ़िया बना नहीं रखी है, देख सकते हो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये वाली सड़क है ना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मेन सड़क होगी ना, वही है भाई, क्योंकि यहाँ से ही आना जाना होता है, जैसे कोई भी मंत्री वगैरह आते हैं, कोई बड़ा ऑफिशियल आते हैं, वो इन्हीं सड़कों से आते हैं, तो ये सड़कें बिल्कुल सही है। दोस्तों फार्म पे तो पहुंच गए हैं भाई, अरे बड़ी बढ़िया सुंदर सुंदर, देखो ये रोज का जो भी नेचुरल कलर होता है वो कलर है, ये हमारे पास इस कलर में भी रोज है, और हमारे पास इस कलर में भी रोज है, तो देखो बताओ कौन से कलर में रोज चाहिए आपको। अब मुझे इन दोनों के ना कलर बताने, वो तो शायद व्हाइट कलर हो गया, ये कौन सा कलर हो गया, ये तो नेचुरल जो पहले से जो होते हैं वही वाला कलर है, बाकी आप देख सकते हो। और हाँ भाई वो जो टब है उसके अंदर ना पैर डुबो के आना पड़ता है फार्म के अंदर, तो भाई जो भी आए तो ध्यान रखना यार, खुद हमें ना कहना पड़े, वहाँ से एंट्री और वहाँ से ही अपने पैर डुबो के आ जाना, ठीक है। और अभी अंदर ब्रूनो की ट्रेनिंग चल रही है, सिर्फ ब्रूनो की थोड़ी सी क्लिप दिखाता हूँ। हाँ भाई ब्रूनो, राकेश लगा स्टे, लगा इसने स्टे, सीख जाएंगे
अच्छा ज्यादा इसके ज्यादा हो रही है कि घर जाऊं। हाँ भाई ब्रूनो, छोटे बच्चे चल चल स्टे लगा के दिखा इसको, चलो ब्रूनो जाओ स्टे। नो स्टे आपको देख के कर रहे अब तो हो ही गया टाइम, आप अब तो आज दिख गए ना। तो एक्चुअली आज ब्रूनो के साथ जो आते हैं ना वो छोड़े जाते हैं, वो भाई यहाँ पे ही आए हुए थे, तो इसको देख के ये सोच रहे हैं कि भाई ये जास्ता जल्दी जल्दी हाफ डे आज ये भी सीन है इसका। बाकी इसकी स्टे की हो गई है, शेक एंड वगैरह भी करने लग गया ये, और सिट शेक एंड और स्टे करने लग गया ये। दोस्तों मैं घर पे आ गया था और उसके बाद एक घंटे की नैप भी ले ली है, अब अभी 4 बज गए शाम के, सो अब मुझे फार्म पे जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि भाई जो काम है तो काम ही है फार्म पे जाके। और आज हमारे एक और हॉस्टल में नया गेस्ट आ रहा है तो उनको रिसीव भी करना है, 6 बजे के आसपास आएंगे। बाकी मौसम बहुत मस्त हो रहा है और कोनी अपने बच्चों को दूध पिला रही है भाई, इसमें चारों बच्चे एक जैसे एक से बढ़ के एक है, देखो देखो कैसे कैसे दूध ढूंढ रहे हैं। ये देखो बंदर से, अरे बंदरू, अच्छा वो छोड़ के वो पकड़ लिया, ये यहाँ से रो वहाँ पर है, तो देखो हम फेस वगैरह देखो भाई, साइज देखो, और कोनी देखो भाई प्यारी कोनी मैडम देखो। और आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ, अभी मौसम देखो बादलों वाला मौसम हो गया, बट यहाँ तो एसी चला रखा है भाई, एसी चलाना मेंटेन है, 27 पे रखा हुआ है, क्योंकि भाई हमारे डॉन जो है ना ये छोटे छोटे बच्चे एसी बंद होते हैं चू 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 करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए इनका एसी मेंटेन करना, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। सो दोस्तों ये टैंक मेरा नहीं है, ये मोहित का टैंक है, और ये मैंने ब्लॉग में कवर कर लिया, वैसे ये पेडोस्टी के चैनल पे आएगा। लो भाई मोहित का टैंक बन गया, बाल्टी टाइम मोहित, अभी इसके फुल टैंक की अपडेट और वीडियो आपको पेडोस्टी के चैनल पे मिलेगी। दोस्तों हमारे फार्म पे जो नया गेस्ट आना था वो आ गया, मैं वो जल्दबाजी में दिखा नहीं पाया आपको, सो अब खाना लेने आया हूँ, खाना दिखाता हूँ। दोस्तों यही अपडेट है, मैंने चीज़ें सारी कर दी है, वो हमारे मिक्कू नाम है उसका, वो आई है हमारे पास गेस्ट 8 डेज के लिए है वो, सो आपको कल दिखा मिला दूंगा उससे। और अभी मम्मी कह रही थी कि मुझे मतलब खाना है पनीर खाना है, और मम्मी बिजी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैंने सोचा मैं खुद ही ले जाता हूँ, तो प्याज वाली रोटी और शाही पनीर लेके जा रहा हूँ मैं घर पे, सो आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छी होती है यार, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। मिक्कू आ गई है, कूजो भी वहीं है, गुड्डू भी वहीं है, इना मीना सारे वहीं हैं, और कल भी एक और मैं नया व्लॉग बनाने जाऊँगा, वो आपको पेडोस्टी के चैनल पर डालूंगा, आप लोग बहुत पसंद करोगे उस व्लॉग को। सो पेडोस्टी के चैनल जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दोस्तों मैं ना भूल गया था, खाना खाने लग गया था, आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कैसा खाना, दिखाता हूँ आपको। देखो तो देखो भाई, ये मम्मी ने रायता बनाया है, ये सब्जी थोड़ी मिक्स होगी, ये शाही पनीर है, और ये प्याज वाली रोटी है, मस्त। कैसी है पापा जी खाना, कैसा लगा? बढ़िया। कैसे लगा मम्मी खाना? मम्मी की तो फेवरेट आइसक्रीम आई है केसर पिस्ता। और ये थोरू बैठे है हमारे, भाई थोरी, और हेलो को निला दिया भाई मम्मी ने फाइनली, पापा ने निलाया हेलो को, और ये हमने ये जगह पे सो रही है। चलो अपना खाना जल्दी जल्दी फिनिश करता हूँ मैं। तो दोस्तों हम बड़ी घंघोर समस्या में बैठे हैं, ये हेला आज निलाई थी मुंह में बाल घुस गए, हेला आज निलाई थी और ये आज भी इतने नहीं हो रहे इसके काले, पर आज भी काले हो रहे हैं यार, ये पता नहीं कहाँ जाती है कहानी। हेलो तू बता दे कहाँ जाती है तू, है हेलो बता दे हेलो मम्मी मैं बता दो यार, हेला के क्या करे, रोज तीसरे या चौथे दिन नहाने लग जाती है। हेलो बता ये क्या काम है तेरे, बता। सारी फैमिली अपनी ये देख व्लॉग में देख रही है तुझे, और कई और तू कई दिनों बाद व्लॉग में आई है, कहाँ गायब रहती है भाई तू, है कहाँ गायब रहती है, बोल भी नहीं रही, मैं इतनी बातें मार रहा हूँ ये बात भी नहीं मानी। तो देखो थोरू थोरू मैं जा रहा हूँ, ये देखेगा थोरू थोरू चले थोरू चले ना भाई, सुन ही नहीं रहा, देखो चलो भाई मम्मी की आइसक्रीम, मम्मी केसर पिस्ता ले मंगवाई है मेरे से केसर पिस्ता। हेलो ये कैसा एंगल है यार, मस्त एंगल है ना कैमरे का। चलो अब मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ और ऊपर जा रहा हूँ, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं भाई। व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना,
वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 150,000 करते हैं जल्दी जल्दी। और जिसने अभी तक पेंडोवेस्टी वाले चैनल को नहीं करा सब्सक्राइब, थोरू कहते फिर सब्सक्राइब कर दो, कहते ऐसे नाक लगा, नाक सब्सक्राइब के बटन पे नाक मारो, ऐसे कहते ऐसे मर मरते मरते सो भाई सब्सक्राइब कर लो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और नेक्स्ट व्लॉग का टॉपिक बता देना। ओके बाय बाय।